अगली खबर नई दिल्ली की, जहां प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जी हां, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए चर्चा की मांग की। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रज्ञा का बयान रिकॉर्ड से निकलवा दिया गया है, ऐसे में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोडसे को देशभक्त मानने की सोच को ही हम खारिज करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ऐसी किसी भी विचारधारा का विरोध करती है जो गोडसे को देशभक्त बनाती है। जी हां, महात्मा गांधी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, विदेश के मार्गदर्शक हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उनकी पार्टी को आतंकी पार्टी कहा था। यह वही पार्टी है जिसके नेताओं ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिए। यहां हो क्या रहा है? क्या सदन इस पर चुप बैठेगा? जी हां, महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। उनके बयान से स्पष्ट है कि वह गांधी जी के दुश्मन है और उनके हत्यारे का समर्थक। मैं स्पीकर महोदय को विशेष अधिकार प्रस्ताव सौंपता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।